Good morning, students. Today we are going to learn something new, which that make words and then write. So first of all, ka plus ma plus la is equal to common. Ka letter ka, letter ma or letter la, तीनों को साथ में लिखने से word बनता है common. Ka, ma, और ल कॉमन. लेटर क, लेटर म और लेटर ल तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है क म ल. क म ल. नेक्स्ट इज लेटर क, लेटर ल और लेटर श. क plus la plus sa is equal to word banta hai ka la sa. Standing man ka la और ऊपर ये स्लीपिंग है. कलर्स लेटर क, लेटर ल और लेटर श तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है क ल श. क ल श. नेक्स्ट इज ब plus wa plus na is equal to ba wa na. Ba wa na. Let's write ba standing line wa standing line na. और ऊपर से किसी स्लीपिंग है ब व न. ब व न. तो लेटर व, लेटर व और लेटर न तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है ब व न. ब व न. नेक्स्ट इज ट प्लस ह plus l is equal to t h l. T h l. T h और ल. ऊपर ये स्लीपिंग है ट ह ल. ट ह ल. लेटर ट, लेटर ह और लेटर ल तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है ट ह ल. ट ह ल. नेक्स्ट इज लेटर स plus letter h plus letter d is equal to sh h d. Sh h d. So let's write sh h
Sh-h-d. Sh-h-d. Letter sh plus letter h or letter d. तीनों को साथ में लिखने से word बनता है sh-h-d. Sh-h-d. Next is n plus m plus k is equal to n m k. N m k. So let's write. N m k. और ऊपर ये स्लीपिंग लाइन. N m k. N m k. लेटर न, लेटर म और लेटर क तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है न म क. न म क. नेक्स्ट इज क प्लस म प्लस ल इज इक्वल टू कमल. क म ल और ऊपर ये स्लीपिंग लाइन. क म ल. क म ल. लेटर क, लेटर म और लेटर ल तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है क म ल. क म ल. नेक्स्ट इज च प्लस म प्लस क इज इक्वल टू च म क. च म क. च म क. ऊपर स्लीपिंग लाइन. च म क. च म क. लेटर च, लेटर म और लेटर क तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है च म क. च म क. लेट्स रिपीट अगेन. क प्लस म प्लस ल इज इक्वल टू क म ल. लेटर क, लेटर म और लेटर ल तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है कमल. लेटर क, लेटर ल और लेटर स तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है कलस. नेक्स्ट लेटर व, लेटर व और लेटर न तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है व व न. व व न. नेक्स्ट इज लेटर ट, लेटर ह और लेटर ल तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है ठ, सॉरी ट ह ल. ट ह ल. नेक्स्ट इज लेटर स, लेटर ह और लेटर द तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है श ह द. श ह द. नेक्स्ट इज लेटर न, लेटर म और लेटर क तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है न म क. न म क. नेक्स्ट इज लेटर क, लेटर म और लेटर ल तीनों को साथ में लिखने से वर्ड बनता है क म ल. क म
Next is letter J, letter M और letter K. तीनों को साथ में लिखने से word बनता है J-M-K. J-M-K. Okay students, I hope you all understand. Please practice at home in your notebook. Thank you.